finally checking out day. Heading out for taxi. अब हम कार्ड अपना निकाल रहे हैं. बाय बाय. तो जनाब सामान इधर भी लादा हुआ है और हमारा सामान अभी रास्ते में है. टैक्सी हमारी हायर हो चुकी है और हम जा रहे हैं छत्ता एयरपोर्ट की तरफ. अब हम रुके हैं एक स्पॉट पर जहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं. हमें अलबेक ही सूट करता है बजट वाइज भी और टेस्ट वाइज भी. सो अभी अलबेक लेंगे मखान में गाड़ी में खाएंगे. ये मुरसली लेने गए हैं. मीनवाइल मौसम ने इतना शोर किया है ना, इतना मौसम ने शोर किया इतना कि मैं फिर इसको गाड़ी में मजबूरन गाड़ी से बाहर लेके आई हूँ कि इसको थोड़ा हैंग आउट कराऊं. मौसम बताओ व्यूअर्स को कितने आप शरारती हो. गाड़ी के पास जाते ही ना ये शोर करना शुरू कर देगा. अब इसको मैंने गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में बिठा दिया. शुक्र है ये थोड़ी सीट टाइट है, मुझे सुकून मिला थोड़ा सा. बोझ में उठा के बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बेबी को. मैं लिटरली बहुत भूखी हूँ. फ्रूट्स थे मेरे पास, मैंने फ्रूट्स खाए. बाबा खाना लेने गए हैं, बाबा खाना लेने गए हैं. मिस्टर भैया मौसम बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं. बाबा आएंगे हमारे लिए टुकर लेके आएंगे और फिर हम वो खाएंगे, हमारे एनर्जी आएगी. इस टू वीक्स तकरीबन टू वीक्स के स्टे में मौसम का इंटेक बहुत कम रहा है. मुझे तो ये लग रहा है बेचारा कमज़ोर हो गया, मुझे फील हो रहा है. मतलब मुझे लग रहा है इसने जो है अपने केजीज रिड्यूस किए हैं. सो अब पाकिस्तान जाएंगे फिर तो सुवाएंगे फिर देखते हैं. ये सर्जी मेरे हाथ से अगर मैं भी छोड़ूँ ये कार के ऊपर पहुँच जाए. मोहसिन कम बैक, मोहसिन आई सेड कम बैक. मस्ती चेक करें इसको, खुशी हो रही है. आजाद हो गए ना गाड़ी से निकल गए. ये टांग पकड़नी पड़ रही है अदरवाइज इसमें भाग जाना ऊपर. जी व्यूअर्स शाम के जो है यहाँ पर बज रहे हैं 7. फ्लाइट है रात के 2 बजे की बट बोर्डिंग 10-11 o'clock हमें करनी है. सो मैं यहाँ अभी बाहर फुटपाथ की तरफ बैठी हूँ सो दैट मौसम जो है वो थोड़ा सा कम उछले. ये गाड़ियाँ देख के पागल हो जाता है और अभी भी ये थोड़ा क्रेजी है. एनी वेज मैंने इसको कंट्रोल किया हुआ है. मीन वाइल मुरसलीन जो है वो हमारे लिए कुछ खाने के लिए ले रहे हैं अलबेक से. सो मेरा मक्का का मदीने का बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा. मक्का में मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पे एक तो रश था, हीट स्ट्रोक था, दूसरा हम लोग इबादतों में नवाफिल में इस कदर मसरूफ़ थे तो वो एक फीलिंग नहीं आ रही थी व्लॉगिंग करने की बिल्कुल भी. तो मदीने में थोड़ा रिलैक्स टाइम था तो हमने इबादतें की हैं, ज्यारतें की हैं और मदीने में जो ज्यारतों का मज़ा आया ना वो मैं बयान नहीं कर सकती. इंशाल्लाह जो है वो मैं रिकॉर्डिंग की है करूँगी इसी ब्लॉग के अंदर. सब कुछ आपने देखा भी होगा तो मैं सब अब एडिट करूँगी इन टाइम. मुझे टाइम नहीं मिला था तो अभी मेरा ब्लॉग थोड़े थोड़े लेट होंगे. अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान. जिनको नहीं पता उनको बता दूँ हमने मक्का में क़याम किया. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा. और फिर उसके बाद हम मदीना आए. मदीना में भी हमने बहुत ज़्यारतें की, रोज़ा रसूल देखा, जन्नत का बाग देखा माशाल्लाह और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. अब हमारी जद्दा से अब हम टैक्सी से जद्दा जा रहे हैं. अब जद्दा से आगे हमारी 2 बजे रात की फ्लाइट है. अब पाकिस्तान में हम तकरीबन 8 to 9 months बाद पाकिस्तान जा रहे हैं. मौसम से सब मिलेंगे, ये इतना बड़ा हो गया है और सब बहुत एक्साइटेड है और ये भी बहुत एक्साइटेड होगा. इंशाल्लाह सबको देखेगा, अपने रिलेशंस पे चलेंगे कौन मेरा कौन सा कज़न है, अपने कज़न से मिलेगा, अपने मामू से, अपने नाना अबू से, नानो अम्मी से, दादों से, सबसे मुलाकात करेगा और हमारा जो स्टे है इंशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छा रहेगा. मैं ख़ुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ, पेरेंट्स से मिलूँगी. इतना लंबा मेरा कभी ब्रेक हुआ नहीं है. बहन भाइयों से तो मेरा वीकली इंट्रैक्शन होता ही रहता था पाकिस्तान में बट अब आप जब बहुत दूर आ जाते हैं तो फिर इंट्रैक्शन थोड़े से साल साल बाद वाले हो जाते हैं. सो मज़ा आएगा, व्लॉगिंग करूँगी वहाँ जाके इंशाल्लाह, अपडेट करूँगी. लेट्स सी आगे का सफ़र कैसा गुजरता है मेरा. शुक्र है गर्मी का कुछ तोड़ है यहाँ पे. जद्दा की तरफ हम जा रहे हैं, गर्मी थोड़ी सी जो है मुझे वो कम लग रही है. मतलब अब जो गर्मी मुंह के ऊपर निकलने वाली थी ना वो भी कम हो चुकी है.
कार तो एयर कंडीशन ही है तो उसमें इतना वो नहीं फील हो रहा, तो अब गर्मी कम है तो अब ठंडी हवा लग रही है, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। 8 to 9 days बाद मुझे कुछ फील हो रहा है कि हवा कुछ ठंडी है। मौसम के बाबा आ गए हैं हमारे लिए खाना पीना लेना, हम गाड़ी में बैठ के खाएंगे। और थैंक यू, चिकन फिलेट्स विद कोल्ड ड्रिंक एंड ये बर्गर अगर ना पड़ेगा तो। अब हम मुझे तो वैसे बहुत भूख लगी है, बेबी को भी खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। फाइनली वी हैव रीच्ड टू जद्दा एयरपोर्ट। मोहसिन रास्ते में सो गया था, अब इसको उठाया है, चीखे मार के इसने रोया। अब हमें मज़ीद इंतज़ार करना क्योंकि हमारी फ़्लाइट है 2 बजे और लेट्स सी क्या होता है। ये वो सही सामान ट्रॉली में डाल रहे हैं, खैरियत से हम पहुंच जाएं पाकिस्तान इंशाल्लाह। वाओ एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा है यार, नीचे इतनी ग्रीनरी माशाल्लाह, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। It's very luminous airport, बहुत ज़्यादा lights हैं। थ्रू आउट द वे भी बहुत लाइट्स थी बट उसमें मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा था, अदरवाइज आई वुड हैव कैप्चर्ड द एंटायर वे। ये हैं हमारी 2 trolleys। मोहसिन के साथ ट्रॉली राइड नहीं करने आ रही थी और आज ट्रॉली में बैठ नहीं रहा, शायद ही नींद से उठा है। तो एक साहब आए हैं सऊदी और उन्होंने कहा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपकी ट्रॉली राइड कर देता हूँ। तो ये छोटे छोटे गेस्टर्स इंसान के लिए ना बहुत मायने रखते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस गाय, जो भी इसने हमारी हेल्प की, अल्लाह इसको इसका अजर दे, आमीन। हमें भी यूँ देखना चाहिए अगर कोई मुश्किल में है और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बीइंग अ मुस्लिम हमें हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिससे हेल्प करते हैं। अब हम रख रहे हैं जमजम की बॉटल्स, यहाँ से जमजम वाटर लेके हम पाकिस्तानी फ्रेंड्स के लिए जा रहे हैं। एंट्रिंग यहाँ पे हमारी बोर्डिंग चेक करेंगे सऊदी एयरलाइंस का, पता करेंगे कि किस टर्मिनल पे हमें जाना है क्योंकि हमारी टिकट्स पे टर्मिनल मेंशन नहीं। Wow, it's so big. तो ये हम लोग जा रहे हैं अपनी टिकट का थोड़ी इंफॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए कि हमने कौन से वाले फाइनली उस बंदे ने हमारी हेल्प की इवेंट नाउ। अब हमारा ये बैग जो है वो बैगेज टाइम आ गया है, हमारा बैगेज टाइम। इसको तो अभी भी नींद आ रहा है बेटा, फ्लाइट में सो जाना प्लीज़। मुर्सलीन वॉक कर कर के आपका क्या हाल हुआ है ज़रा बताएं व्यूअर्स को कि आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक? बहुत बेहतरीन। आपकी टांगों में दर्द नहीं हो रही? ये सार्केस्टिक वे में बोल रहे हैं, मुझे पता है। इनकी टांगों में इस कदर दर्द है क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा उठाना, फिर बेबी को कभी उठा रहे हैं कभी क्या कभी बहुत। सो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ। फाइनली एट स्टारबक्स नज़र आ गया था, मैंने कहा चलो भाई कुछ ठंडा ले लेते हैं इधर से क्योंकि गर्मी है, गर्मी में कॉफ़ी पीने का चाय पीने का तो कोई भी जोड़ नहीं बनता मेरी नज़र में। तो आइस्ड की कॉफ़ी लेट ली है मैंने। सो वेटिंग फॉर माई कॉफ़ी, हमारा ऑर्डर आ गया है, लेट्स हैव इट। लेमोनेड के बाद मोहसिन का एक्सप्रेशन। Have it, baby. Mm-hmm.
स्मार्ट बॉय फर्स्ट टाइम इसने इस तरह का लेमनेट लिया जिसमें कोल्ड ड्रिंक का टच है। या या हम मौसम का जूस साथ ही लाए थे, हमें पता था ये जो है ना डिहाइड्रेटेड ना हो, हम जूसेस रखते हैं तो ये अपना जूस इंजॉय करेगा, हम अपने स्टार्ट पास। ये है जनाब बेबी केयर, यहाँ से मौसम का गेटअप करते हैं चेंज। ये जनाब फुल तैयार होकर बाहर आ गए हैं और ये है बैटमैन की थीम बन चुकी है, अब ये रेडी टू लीव फॉर पाकिस्तान है। यस मौसम से हेलो ये नहीं हंसता। वाओ एम्बियंस बहुत अच्छा है यार इस एयरपोर्ट का, ये इतना बड़ा सा जो डेकोरेशन पीस इन्होंने हैंग किया हुआ है ना बहुत ही कूल लग रहा है, सो डिसेंट एंड सो कूल। तो फाइनली मैं आई हूँ लेडीज वॉशरूम में सो दैट आई कैन फिक्स माय स्कार्फ बिफोर लिविंग, तो बिकॉज मौसम तो मेरा स्कार्फ कहीं का भी नहीं छोड़ता। हाँ बैगेज क्लेम हो गया है, हमारे बैग में से एक सीजर निकले जो इन्होंने पकड़ लिए, सो अब हम जा रहे हैं अपने बोर्डिंग की तरफ। सो मैंने भी अपना फेस फ्रेश कर लिया है, मौसम साहब भी रेडी हैं, इसके बाबा भी रेडी हैं, बहुत सारा लगेज उठाया। फाइनली लैंडिंग हो रही है और हम लैंड हो रहे हैं। चार घंटे की फ्लाइट में मौसम ने अपने पूरे चार घंटे नहीं पूरे किया और मुझे सुकून मिल गया क्योंकि ये रोया नहीं चीखा, नहीं एक दो दफा रोया चीखा बट आफ्टर दैट सेटल्ड आउट। फाइनली पाकिस्तान में हम लैंड हो चुके हैं और बाहर का मौसम मुझे नहीं लगता कि गर्म होगा।